गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो गाइस, आपको पता है कि आज हम शादी में आए हैं, और आपको पता है किसकी शादी है, जिनकी हम संगीत में गए थे। सो गाइस, आप ये देख सकते हो कितनी सुंदर शादी का डेकोरेशन हुआ है, कितना ज़्यादा सुंदर। फिर यहाँ पे हम लोगों ने इतनी सुंदर माहौल में इतनी अच्छी सी रील बना ली, जो कि आपने देख ली होगी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया लोगों को, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले टिक्की खाया, फिर स्प्रिंग रोल खाया, फिर मैंने और भी चीज़ें खाई, बट मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गई। सो गाइस, आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर डेकोरेशन की गई है हॉल में, जिसमें शादी होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डीजे भी लगा है, और इस डीजे पे हम लोग डांस भी करते हैं, और यहाँ पे ना गंगा आरती भी होगा, मतलब कि शादी में गंगा आरती, मतलब कि जस्ट इमेजिन कितना अच्छा लगता है। और देखो यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन भी हो रही थी गंगा आरती की, कैसी होगी। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप आंटी लोगों को, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो नाश्ते में क्या क्या था। नाश्ते में टिक्की था, गोल गप्पे थे, ऑफकोर्स गर्ल्स के फेवरेट गोल गप्पे, चाउमीन, फ्राइड राइस, मंचूरियन, बहुत वगैरह वगैरह, जो कि बहुत ही अमी थे, बहुत टेस्टी। और मेन कोर्स में सैलेड, अचार, प्लेट्स थी, मतलब कि प्लेट तो खाने के लिए थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो दाल चावल, सब्जियाँ बहुत तरीके की, फिर यहाँ पे कलौंजी भी था, पूड़ी भी थी, फिर यहाँ पे ना अभी आप देख सकते हो पराठे भी थे, लच्छा पराठा था, फिर यहाँ पे आप स्वीट्स भी थी, आइसक्रीम भी थी, आइसक्रीम मैंने खाई थी। और आप देख सकते हो यहाँ पे नव्या मुझे हाय बोल रही है, और यहाँ पे मुझे जीवा भी हाय बोल रही है, और मैं खाना खाते हुए सबको परेशान कर रही थी। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना बिल्डिंग वाला, वहाँ पे ना मंडप सजा है, वहाँ पे शादी होगी मेन, और यहाँ पे ना अभी दूल्हे की द्वार पूजा हो रही है। आप देख सकते हैं मतलब कितना अच्छा लगता है शादियों को देखना, मज़ा बहुत आता है मुझे तो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, देख सकते हैं आप गाइज। यहाँ पे मैं ना आइसक्रीम लेते हुए मेरी मम्मा मेरी वीडियो बना रही थी, और मैं काव्या को बोल रही थी देखो देखो मम्मा वीडियो बना रही है, हाय बोलो हाय गाइज को। और गाइज आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ना दूल्हे के बगल में ना इतना क्यूट सा बच्चा बैठा था, मैं बता नहीं सकती, अब मेरा मन कर रहा था उसके साथ खेलूँ जाके, इतना क्यूट लग रहा था ना, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। फिर यहाँ पे ना हमारी दुल्हन की एंट्री होती है, आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही थी, और कितनी ज़्यादा सुंदर, मतलब ऐसे तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बट आज वो कुछ अलग ही बहुत सुंदर दिख रही थी। आप देख सकते हो उनका रेड कलर का लहंगा था, जो कि अच्छी लग रही थी। फिर उनके फैमिली मेम्बर्स उनको स्टेज तक ले जा रहे थे, तो गाइज आप ग्रूम को भी देख सकते हैं, वो भी कितने अच्छे लग रहे थे, ब्राइड भी सुंदर लग रही थी, दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर। गाइज जो कैमरामैन थे ना, वो ना दुल्हा दुल्हन को हर तरफ से घेर लिए थे, आप देख ही सकते हैं कैसे उनको घेरे हुए हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कैसे दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं, और यहाँ पे ना सब लोग गंगा आरती के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखो गंगा आरती शुरू भी हो गई, मतलब कि कितना अच्छा मेरा लक है कि हम लोग गंगा आरती शादी में देख रहे हैं, ऐसे तो हम घाट में देखते हैं बट हम शादी में देख रहे हैं। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कितना यूनिक बहुत ज़्यादा यूनिक आइडिया है ये। और यहाँ पे देख लो बहुत ज़्यादा लोग वीडियो बना रहे थे, और ये रही आंटी जो कि दुल्हन की मम्मी थी, और आप देख सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दुल्हन की बहनें आई हैं, और वो दुल्हन को वरमाला और दूल्हे दुल्हन को दोनों को वरमाला देने आई हैं, और आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के गले में वरमाला पहना रहे हैं, जिसे हम जयमाल बोलते हैं,
और आपको पता है जो दुल्हन की माँ थी वो थोड़ी सैड थी, क्योंकि उन मतलब कि दीदी जा रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा सैड थी, वो दिखा नहीं रही थी बट वो बहुत ज़्यादा सैड थी। और आप देख सकते हैं अभी हमने शादी देख लिया ऑलमोस्ट। सो गाइज अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये शादी अच्छी लगी हो, ये ब्लॉग भी अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।